जी की ज्यादातर जो जो केसेस ईडी के जो रेड्स हो रहे हैं वो अपोजिशन पार्टीज में ही हो रहे हैं। अभी एक नेशनल न्यूज़पेपर ने एक रिसर्च भी किया था, उन्होंने देखा कि करीब 25 नेता जो बीजेपी छोड़कर अन्य पार्टियों में चले गए, उनमें से 23 नेताओं के खिलाफ या तो केस ड्रॉप हो गए या उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो इसको कैसे देखें? मुझे लगता है कि लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, लॉ टेक्स इट्स ओन टाइम आल्सो, पर हमारी सरकार किसी केस में इंटरफेयर नहीं करती है। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, इनको अपना काम करना है। और मुझे लगता है बिफोर वी टेक एनीबडी इन आर पार्टी, हम ये भी देखते हैं कि किस व्यक्ति के ऊपर कैसा केस है और वेदर वो व्यक्ति हमारी पार्टी के इथॉस में फिट होगा कि नहीं। अगर किसी ऐसे कितने लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं जिनको हम नहीं लेते हैं हमारी पार्टी में, अगर हमें लगता है कि उस व्यक्ति का बैकग्राउंड ऐसा है कि हम हमारी पार्टी में नहीं ले सकते, और अगर उनके अगेंस्ट केसेस चल रहे हैं, आपकी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो ही दबाए जाएंगे। वो तो कानून विल टेक इट्स ओन कोर्स। ऐसे कोई केस हमारी वजह से बंद हो जाएंगे तो संभव नहीं है, क्योंकि ये एजेंसीज इंडिपेंडेंटली चलती है, कोई हमारे कहने पे नहीं चला सकते। एक और नैरेटिव